नमस्कार सर। सर देखिए, यहाँ आप हम काबुल में करीब 140 इंजन जो है ये कंपनी ने भी साथ छोड़ दिया हमारा, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हम ये गुहार लगा रहे हैं अपनी भारत सरकार से कि कृपया वो हमारी मदद करें और जितने भी हमारे फंसे हुए भारतीय हैं उनको यहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करें। हम आपका आभार मानेंगे। ये देखिए सर, सब फंसे हुए सर, ना यहाँ खाने को कुछ है हमारे पास, ना कुछ बैठने की व्यवस्था सही है सर हमारी। सर चार दिन से सर हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं सर। परिवार टेंशन में है सर हमारा पूरा, सबके सबका। तो सर आपसे ये वो है कि गुजारिश है कि सर हम जल्द से जल्द हमारा जो है यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और हमें अपने जो वतन है भारत जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। हम आशा करते हैं कि आप हम लोगों का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इसी आशा के संग मैं ये बोलना चाहता हूँ सबकी तरफ से कि भारत सरकार से, सर आप प्लीज हम सबकी मदद करिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप हम लोगों की मदद करिए सर। थैंक यू सर।